आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। 15 मार्च माननीय कांसीराम जी का जन्म दिवस है। लोग इन्हें बाम सेव का संस्थापक के अलावा एक राजनेता के रूप में जानते हैं। गैर बहुजन की तो बात ही छोड़िए, बहुजन समाज का पढ़ा लिखा वर्ग तक भी माननीय को पत्रकार के रूप में नहीं समझ पाया है। द अनटचेबल इंडिया, द ऑप्रेस्ड इंडियन अंग्रेजी भाषा में, मराठी में श्रमिक साहित्य, गुजराती में दलित साहित्य, हिंदी में बहुजन साहित्य, पंजाबी में शोषित साहित्य, मासिक पत्रिकाएं माननीय कांशीराम जी के संपादन में खोजने पर मिलती हैं। ये सभी साहित्यिक पत्रिकाएं थी। इनके अलावा बहुजन नायक मराठी, बहुजन संगठक हिंदी, बहुजन संदेश पंजाबी में साप्ताहिक समाचार पत्रों पर माननीय कांशीराम जी का नाम संपादक के रूप में बखूबी के साथ पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुजन टाइम्स, दैनिक अखबार हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी में भी माननीय कांशीराम जी के संपादन में प्रकाशित हुआ। इन सभी ने देश के दूर दराजों में बहुजन समाज के लोगों को एकत्र कर एक आंदोलन का रूप तैयार किया, जिसे आज बहुजन आंदोलन कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी के संदेश को उपरोक्त सभी पत्र पत्रिकाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर पत्रकारिता के इतिहास में इनका कोई भी नामो निशान नहीं है। नागपुर में बामसेफ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय कांशीराम जी ने कहा था, यदि दलितों और शोषितों को अपने दलित पन तथा शोषण का अंत करना है तो उनका मजबूत प्रेस एवं पब्लिकेशन विंग होना बहुत आवश्यक है। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी पत्रिका दी ऑप्रेस्ड इंडियन को तैयार करने तथा प्रबंध करने वालों ने इस दिशा में कार्य को आगे बढ़ाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अल्पावधि के रूप में दी ऑप्रेस्ड इंडियन के 9 अन्य सहज प्रकाशन होंगे जो दलित और शोषित समाज की सेवा करेंगे। 2 समाचार पत्र दैनिक दिल्ली से होंगे तथा 3 मुख्य केंद्रों से, 3 साप्ताहिक पत्रिकाएं तथा 4 मासिक पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में होंगी। द ऑप्रेस्ड इंडियन एक मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन एक शुरुआत है। आगे का कार्य चुनौतीपूर्ण है। आवश्यकता और अवसर दोनों से हमें चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा मिली है तथा समाचार सेवा के क्षेत्र में कूदने के लिए हम तैयार हैं। शुभ चिंतकों तथा समान विचार वाले लोगों के सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण कार्य से हम अवश्य सफल होंगे। जामनगर में एक महिला ने अपने ऑपरेशन कराने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि ऑपरेशन करने वाला सर्जन अछूत वर्ग से था। महिला को वास्तव में ऑपरेशन थिएटर तक लाया जा चुका था, इसके बावजूद उसने मृत्यु को चुनना ज़्यादा अच्छा समझा बजाय एक अछूत डॉक्टर द्वारा छुए जा होने से। अहमदाबाद में अछूत डॉक्टर के चयन होने के बाद भी अधिकारियों ने उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। 1964-65 के दौरान पिछड़े समाज के लोग RPI के माध्यम से इकट्ठा हुए तथा अपने कष्टों को दूर करने एवं हकों के लिए संघर्ष किए। इस आंदोलन में यद्यपि 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन भारतीय प्रेस ने थोड़ा ही समाचार दिया। माननीय कांशीराम जी के शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी प्रेस मीडिया में नजर आता है वह एक पानी में बहने वाले विशाल हिमखंड का ऊपरी छोटा भाग है, जबकि खबरों का बहुत बड़ा हिस्सा शासक वर्ग एवं सत्ताधारियों द्वारा जानबूझकर ठंडे बस्ते में छुपा दिया जाता है। दलित उत्पीड़न प्रकृति का नियम नहीं है, पर मनुवादियों ने इसे प्रकृति का नियम बना दिया है। देश की राजनीति भी इसी से गर्म होती रही है। सुधार पर बहसें होती हैं, पर बहसों से दलित नहीं होते, यानी उत्पीड़न करने वाला स्वर्ण जाति के होते हैं और बहस करने वाले भी। हम अपनी निजी समाचार सेवा के अभाव में इस प्रकार की बहसों के प्रति मात्र मूक दर्शक बने हुए हैं। यह विडंबना है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के संशोधन पर बहसें की जाती हैं, लेकिन हम उसमें कहीं पार्टी नहीं है। इस बात को माननीय कांशीराम स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इस अधिनियम में अभी तक 19 बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन अछूतों के लिए यह अभी भी निष्प्रभावी है। हम बहसे में कोई पार्टी नहीं थे और हम इस अधिनियम में तथा इसके संशोधन के लागू होने पर भी असहाय तथा मूक दर्शक बने रहे। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट एक सालाना प्रतिक्रिया है। सरकार इस रिपोर्ट पर संसद में बहस के लिए कभी चिंतन नहीं करती। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए गठित संसदीय कमेटी ने बहुत सी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, उन लोगों को जानते तक नहीं है। इन सब हालातों में माननीय कांशीराम जी को अपना मीडिया स्थापित करने के लिए विवश किया। दी ऑप्रेस्ड इंडियन के अप्रैल 1989 के अंक में माननीय कांशीराम जी ने भारतीय मीडिया को हिंदू कहते हुए लिखा था, यह मीडिया सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को क्रमशः ब्लैकआउट करना, तत्पश्चात ब्लैकमेल करना, चरित्र हनन करना
करना जैसे औचित और घरौनी कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए मूल निवासी का स्वयं का मीडिया बनाने का निर्णय लिया। यह प्रयास के लिए माननीय कांसीराम ने तंबू लगाए, मंच लगाए, दरिया बिछाई, हजारों किलोमीटर पैदल चले, साइकिल व रेल से चले, हवाई जहाज से उड़कर बहुजन विचारधारा को संकलित करके विचारक बने, चिंतक बने, लेखक बने और बने एक कुशल पत्रकार। बहुजन महापुरुषों संतों गुरुओं द्वारा चलाए गए क्षमता रूपी आंदोलन को इतना धारदार बना दिया कि मनुवादी की चूल्हे ही हिल गई। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है मीडिया, समाज का दर्पण है और लोकतंत्र का चौथा खंभा। और व्यवहारिक रूप से भारतीय मीडिया ने लोकतंत्र का चौथा खंभा है और न समाज का दर्पण। यह दलित उत्पीड़न को चीर फाड़ करके दिखाता है पर दलितों की विकासात्मक खबरों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करता रहा है। दी ऑप्रेस्ड इंडियन के अप्रैल 1989 के अंक में कांसीराम जी लिखते हैं कि इनसे संबंधित खबरें और उनकी गंभीर समस्याओं को मीडिया हल्के ढंग से लेता रहा है। युवाओं, किसानों, छात्रों, मजदूरों, शिक्षित कर्मचारियों, यहाँ तक कि नेताओं का संगठन चला रहे इस समय के लोग पूरी तथा सही जानकारी के अभाव में घटनाओं की वास्तविकता में अंधेरे में रहते हैं। पत्रिका यहाँ एक छोटा सा पत्र है, वह कुछ कर नहीं पाएगा। जब सारे देश के कोने कोने में एक नेटवर्क के माध्यम से समान रूप से अपनी समाचार सेवाओं को फैलाया जाए, इसके अतिरिक्त समाचार सेवा केवल रिपोर्ट अथवा जानकारी सीमित ना हो, इसको रचनात्मक तथा खोजी पत्रकारिता बनाना होगा। अपनी पत्रिका का प्रसार नीति को स्पष्ट करते हुए माननीय साहब लिखते हैं कि आज 4 लाख विद्यार्थी कॉलेजों में और 20 लाख से अधिक शिक्षित लोग विभिन्न जन सेवाओं में लाभ के रोजगार में लगे हुए हैं। इस दलित वर्ग का उभर कर आना हमारी अपनी पाठक संख्या बढ़ाने का अवसर देती है, साथ ही सूझबूझ वाली पत्रकारिता तथा सबसे ऊपर हमारे फंड पैदा करने की क्षमता को दिखाती है। सही मायने में पत्रकारिता करने वाले बहुजनों को एक सोच दी थी पर इस सोच को बहुजन समाज के संगठन कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेताओं तक आखिर नजरअंदाज किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नैमिष राय जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दलित नेताओं की मीडिया के प्रति सोच नहीं है, इतना जरूर कहते सुना जाता रहा है, मुख्यधारा का मीडिया हमारी खबरें नहीं छापता। माननीय कांशीराम जी के अलावा बहुजन समाज के नेताओं ने अपना मीडिया बनाने का कभी सोचा? माननीय कांशीराम जी की नीति से स्वर्ण समाज ने के नेता इतने सचेत हो गए कि उन्होंने 15/85 के आंकड़ों को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। दलित समाज के नेता पार्टी पर पार्टी बनाने लगे। एक बार माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते सैकड़ों हैं तथा तमन्ना झूठी है तो बहाने हजारों हैं। ऐसा सुनकर राम खोबड़ागड़े, मोहनदास नैमिष राय, राम प्रसाद मेहरा जैसे युवा माननीय कांसीराम के साथ कलम उठाकर आगे बढ़े। राम खोबड़ागड़े दी ऑप्रेस्ड इंडियन को देखने लगे, मोहनदास नैमिष राय बहुजन टाइम्स के बाद बहुजन संगठक की संपादकीय लिखने लगे। नैमिष राय जी के बाद राम प्रसाद मेहरा ने बहुजन संगठक को अंत तक देखा। सच कहा जाए तो माननीय कांसीराम जी का आंदोलन पत्र पत्रिकाओं से आगे बढ़ा और इनके बंद होने पर समाप्त हो गया। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।